द लाइव टीवी सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए। जनता ने उन्हें सबक सिखाना शुरू कर दिया है। शिवराज सिंह के मंत्री को जनता ने खदेड़ दिया है। पूरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो आप देखिए। इसमें प्रदर्शनकारियों ने शिवराज सिंह के मंत्री प्रभुराम चौधरी को दौड़ा दिया है और मंत्री जी भाग खड़े हुए हमेशा की तरह। इस वीडियो को देखिए। तो देखा आपने, इसे मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया है और क्या लिखा है वो अपने स्क्रीन पर देखिए। एमपी कांग्रेस ने लिखा, स्वास्थ्य कर्मियों ने शिवराज के मंत्री को दौड़ाया। भोपाल के जेपी अस्पताल में हड़ताल कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने मंत्री प्रभुराम चौधरी को घेरा, हमेशा की तरह फिर भागे मंत्री जी। शिवराज जी, जनता ने भाजपा को भगाना शुरू कर दिया। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कैसे सत्ता में आई, दुनिया ने देखा। चोरी से सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी, जनादेश की डकैती करने वाली भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता में आ तो गई, लेकिन जनता के वादों पर खरी नहीं उतर पाई। अब अगले साल वहां भी चुनाव होंगे। चुनावी मोड में पार्टियां आ चुकी हैं। शिवराज सिंह चुनावी बिसात बिछा रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जो वादे किए गए कि हम ये सारे वादे पूरे करेंगे, एक भी नहीं हो पा रहा। तभी तो जेपी अस्पताल के बाहर स्वास्थ्य कर्मी, नर्स, हर कोई प्रदर्शन करने लगा। कई लोग जो पूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी अपनी मांगे हैं जिसे सरकार पूरा नहीं कर रही है। आइए जरा दैनिक भास्कर की खबर देखते हैं। यह आंदोलन लगातार जारी है, हड़ताल पर कर्मी बैठे हुए, सरकार इनकी सुन नहीं रही है। लॉलीपॉप देने के लिए आती तो है, झुनझुना लेकर सरकार आती तो है, लेकिन वहां के स्टाफ स्वास्थ्य कर्मी सरकार से इतने नाराज हैं कि वो स्वास्थ्य मंत्री को सुनना तक नहीं चाहते, क्योंकि ये लोग सिर्फ लुभावनी बातें करके चले जाते हैं और वादे के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उम्मीद और भरोसा दिया जाता है, जिसे अब स्वास्थ्य कर्मी मानने को तैयार नहीं है। खबर में देखते हैं दैनिक भास्कर ने क्या लिखा है। यह धरना प्रदर्शन पिछले 17 तारीख से ही शुरू हो रखा है, जिसमें हेडलाइन में ही लिखा गया है, भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल, जेपी हॉस्पिटल कैंपस में धरने पर बैठे, परमानेंट वेतन की मांग। खबर तो यह है कि 20-25 साल से वहां पर स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें परमानेंट तक नहीं किया गया, उनको उन्हीं के हालात पर छोड़ दिया गया। अब इसी को लेकर विद्रोह हुआ है, हड़ताल पर लोग बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री समझाने आए थे, लेकिन पता था ये सिर्फ और सिर्फ उम्मीद और भरोसा देंगे, पूरा कुछ नहीं करेंगे, वादा करेंगे तो उसे निभाएंगे नहीं, इसी को लेकर गुस्सा है। खबर में बताया गया है, मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। शनिवार को वे जेपी हॉस्पिटल कैंपस में धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों को अस्थायी किया जाए, साथ ही इन्हें अस्थायी कर्मचारियों जितना वेतन मिले। इसके अलावा जिन कर्मचारियों को बिना कारण निकाल दिया गया है, उन्हें वापस नौकरी पर रखा जाए। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने हड़ताल को और प्रभावशाली बनाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए। खबर आई कि किसी ने लॉलीपॉप लेकर प्रदर्शन किया, किसी ने झुनझुना लेकर प्रदर्शन किया। कुछ हड़ताल कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने सुंदरकांड का पाठ भी किया, ऐसी खबरें खूब देखने को मिली है। वहां पर कर्मचारियों ने यह आरोप लगाया कि सरकार इन लोगों का शोषण कर रही है। इस संबंध में क्या लिखा गया है जरा ये देखिए। बताया गया है कि भारत माता की जय और शोषण बंद करने के नारे कर्मचारियों ने लगाए। स्वास्थ्य एवं एनएचएम कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश मिश्रा ने इस आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि सालों से कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, कर्मचारी अपने शोषण से छुटकारा पाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि सालों से हम संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं, इसे खत्म कर हमें नियमित किया जाए और फिर मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन नतीजा शून्य बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं होने जा रहा। इस वजह से इन लोगों को गुस्सा है, प्रदर्शन लगातार जारी है,
लेकिन सरकार ने अभी तक इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाए। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी आए तो सही, लेकिन उनकी बातों से लोग और भड़क गए और उन्हें खदेड़ कर वापस भेज दिया। NSUI मेडिकल विंग के छात्रों ने भी प्रदर्शन किया। उन लोगों ने मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग का पुतला भी फूंका। तो स्वास्थ्य मंत्री हो या शिवराज सरकार के अलग अलग मंत्री हो, सब वहां जाकर मान मनोबल की स्थिति में है, लेकिन सबको पता है कि यह सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करेगी, झूठा वादा करेगी जिसे पूरा नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर जब प्रभुराम चौधरी वहां गए तो उन्हें वहां से वापस भागना पड़ा और वो कार में बैठे निकलते बने। वैसे ABP न्यूज के आंकड़ों पर ध्यान दे तो यहां भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। कोरोना नजदीक आ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी अब आंदोलन और तेज कर रहे हैं, हड़ताल तेज कर रहे हैं, PPE किट पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो जानकारी है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की हड़ताल के 8 दिन हो गए हैं। प्रदर्शन के 7वें दिन सीहोर जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने PPE किट पहनकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। जिले के 950 संविदा स्वास्थ्य कर्मी और प्रदेश के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी इन दिनों अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कोविड के समय उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर नौकरी की, उनके कई संविदा साथी काम करते हुए काल के गाल में समा गए, आज उनकी नौकरी खतरे में है। तो यह स्थिति है, स्वास्थ्य कर्मियों की हालत वहां खराब है। लोग परमानेंट नौकरी की, पक्की नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार जो है इन्हें झुंझुना थमा रही है। यह बीच से दूसरे की सरकार को गिराकर विधायकों की खरीद फरोख्त कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ तो जाती है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में व्यस्त हो जाती है। हाल ही में पोषण आहार घोटाला भी मध्य प्रदेश में सामने आया, जहां पर डायरेक्ट शिवराज सिंह पर गंभीर आरोप लगे। इस मामले में बाद में कमेटी बनाने की बात की गई, जांच होगी, गड़बड़ी कहां है पता लगाया जाएगा, लेकिन पोषण आहार घोटाला ही भी करोड़ों का घोटाला था, ठीक जैसे चारा घोटाला होता है। तो इस तरीके से तो शिवराज सरकार वहां काम कर रही है। कांग्रेस ने उन पर अविश्वास प्रस्ताव की मांग कर दी, अविश्वास प्रस्ताव लाया भी गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब राज्य में नेताओं के बीच तो छोड़िए, आम लोगों के बीच भी विश्वास खोती जा रही है। 2023 में चुनाव होंगे, लेकिन अभी से परिस्थिति कुछ इस कदर देखी जा रही है कि इन लोगों के लिए संकेत तो ठीक नहीं है, लेकिन BJP को इलेक्शन मशीन कहा जाता है तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन इन्हें खदेड़ रहा है, कौन इन्हें दौड़ा रहा है। शिवराज सिंह लग चुके हैं काम में, अब की बार 200 पार वाला सिस्टम यहां पर दिखाई पड़ रहा है कि इतने बड़े आंकड़े के साथ, टारगेट के साथ चुनावी मैदान में कूदना है और भारतीय जनता पार्टी फिर से वोट हासिल करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाएगी। जब चुनाव नजदीक आएगा तो भारत पाकिस्तान आतंकवाद जैसे मुद्दे फिर आपको दिखाई पड़ने लगेंगे, लेकिन आम जनता त्रस्त है। हर विभाग में कर्मचारी नाराज हैं, न वेतन वृद्धि हो रही है, न इनके जॉब को परमानेंट किया जाता है, कब नौकरी से निकाल दिया जाए, कब किसको निष्कासित कर दिया जाए, कोई गारंटी नहीं है। इस वजह से जो ये प्रदर्शन हो रहा है, निष्कासित लोगों को वापस कीजिए, नौकरी परमानेंट कीजिए। स्वास्थ्य कर्मी हो चाहे नर्स हो, जो भी है जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, वो स्थायित्व की मांग कर रहे हैं। अब यह सरकार इनकी बात कब तक मानती है, कब तक लिख कर देती है, कब पक्की कर देगी, ये कम से कम कोई लिखित में आए तभी लोगों को भरोसा होगा। वैसे भारतीय जनता पार्टी तो 15 लाख देने का भी वादा करती है, वो पूरा आज तक हुआ नहीं, तो बाकी वादे कैसे पूरे हो पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।